महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है द्विघात समीकरण स्टार्ट करूंगा। ओके, उससे पहले जो है फर्स्ट वीडियो मैंने द्विघात समीकरण का करवा दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहां पे देख लीजिए। ओके, चलिए आज जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए आज जो है स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले एक बार पढ़ लीजिए। करा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, आप मान लीजिए पहला क्रमागत आप मान लीजिए x है। ओके, इसी प्रकार से दूसरा क्रमागत हो जाएगा, कह रहा है दूसरा क्रमागत यानी x प्लस 1 हो जाएगा, और बोल रहा है ये दोनों जो है इसका गुणनफल 306 है, इसलिए हम कह सकते हैं यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 1 बराबर 306। आप यहाँ से हल कर लीजिए, यक्स का मल्टीपल यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का मल्टीपल 1 में करेंगे यक्स हो जाएगा बराबर 306। आप 306 इस तरफ लेके आइए यानी यक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर आपका 0 हो जाएगा। आप जो है ध्यान से रखिएगा, जब भी 306 है इसका फैक्टर हम करेंगे, 2 से काटिए, 2 कम 2 पचे 10, 2 तेईस 6, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 कम 3, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 सात 21, 17 से काटिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको जोड़ना है तो प्लस एक्स आना है, और जो है गुणा करना है माइनस 306 आना है। ध्यान समझिएगा, 3 × 9 दुनिया 18 यानी 3 × 9 दुनिया 18, देखिए 18 में जो है माइनस 17 करेंगे बराबर आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 18 × 17 करेंगे माइनस में तो आपका जो है माइनस में 306 प्राप्त हो जाएगा। ये आप जो है सिंपल है, ये आप जो है 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x स्क्वायर देखिए प्लस यानी 18 वाला 18x माइनस 17x कितना दिया माइनस 306 आपको बराबर दिया है 0। आप यहां से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां से माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 ये आ जाएगा। ओके, देखिए 17 कब 17, 17 व 18 कितना होता है 136 बराबर 0। अब यहाँ से x एक कोष्टक में माइनस 17 बराबर एक कोष्टक में x प्लस 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस वाला लेंगे, x बराबर 1 17 आ जाएगा और x बराबर 1 माइनस 18 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम जो है माइनस जो है नेगलेक्ट मान लेते हैं और जो है प्लस जो है आया है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो है वैल्यू कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है 17 है और इसका वैल्यू जो है 18 है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कह रहा है पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब एक का 17 आ गया है, दूसरे का 18 आ गया है। ओके, वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है सारा क्वेश्चन सिंपल वे में मैं बता दूंगा। ओके, आप इसको पहले नोट करिए। आप इसको नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन जो है करवाने जा रहा हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है।
हमें रेलगाड़ी की चाल बताओ। कहने का मतलब एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी पर है, ओके। आपको जो है इसका फाइंड आउट करना है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आप घबराइएगा मत दोस्तों, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा मैं, ओके। चलिए जो है ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल जो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि देखिए 480 किलोमीटर, देखिए 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना, 480 बटे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति जो है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी ट्रेन की चाल कितना कम होता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है ट्रेन की चाल, देखिए ट्रेन की चाल में कमी, ओके। आप यहाँ पे 480 बटे एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है। इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि x माइनस 8 किलोमीटर, ओके, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो है अब देखिए ट्रेन की चाल में कमी, यानी कि सॉरी दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, ट्रेन की चाल में लगा समय, ओके। देखिए आप इसको मिटा दीजिए, यहाँ से करिए, ट्रेन की चाल में कमी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। इसलिए ट्रेन द्वारा लगा समय कह सकते हैं कि 480 बटे x माइनस 8 घंटा, ओके। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो है घंटा होगा, ओके, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है इसका अंतर दिया है 3 घंटा। तो हम देखिए जब भी घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं कि 480 बटे एक्स प्लस 8, सॉरी एक्स माइनस 8 है, एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स बराबर 3 घंटा। हम इसको जो है ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड के पेपर में क्या होता है आपको सिस्टमेटिकल से सॉल्व करना होता है। जब भी ऐसा कहेगा, ओके, ध्यान समझिएगा, यहाँ तो घंटा है तो दोस्तों यहाँ भी तो घंटा लगेगा, यानी कि कितना लगा समय, ओके। ध्यान, अब देखिए ये इतना हो गया, अब इसको क्या करिए, एलसीएम लीजिए और इसका यहाँ मल्टीपल करिए। तो सिंपल वे में आप हल यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा से लंबा गया है, आपको घबराने कोई कोशिश जरूरी नहीं है, ओके। देखिए x का मल्टीपल यहाँ करेंगे 480 एक्स, अब x का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो माइनस 480 एक्स, माइनस के गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 864, 8 चौके 32, 6 38, 0, ओके, 8 के किए हैं, बटे यक्स कोष्टक में यक्स माइनस 8 बराबर 3 घंटा दिया है, ओके। देखिए ये जो कट जाएगा बचाइए और बचाइए, इसके अपन 1 कर सकते हैं, 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 3840 बराबर, आपको 3 इसमें मल्टीपल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x कोष्टक बंद गुणे 3, ओके। हम इसको कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 24x, अब इसको इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3840
बराबर जीरो। क्या यहाँ पे तीन कामन हो रहा है, तीन कम तीन दो, हाँ कामन हो रहा है दोस्तों। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा लेंदी गया है, ओके आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। अब तीन कामन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस तीन बाटे चौबीस, एक्स बचेगा माइनस, देखिए तीन एक कम तीन, तीन दूनी के छः, तीन बाटे चौबीस, जीरो बराबर जीरो। अब देखिए 1280 का आपको फैक्टर करना है, ध्यान समझिएगा, 1280 का फैक्टर कर लीजिए, सिंपल है। दो छके बारह, दो चौके आठ जीरो, दो तेय छः, दो दूनी चार जीरो, दो एकम दो, दो छके बारह जीरो, दो अठे सोलह जीरो, दो चौके आठ, ओके दो से करेंगे 20 आएगा, दो से करेंगे 10 आएगा, इसी प्रकार से दो से करेंगे 5 आएगा। आप यहाँ जो है इतना तो हो गया, अब फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, आपको बीच में लाना है माइनस आठ, तो हम कैसे दो दूनी के चार, दूनी के आठ, दूनी के सोलह, सोलह नहीं होगा, दो दूनी के चार, दूनी के आठ, आठ पंच चालीस, देखिए एक चालीस ले लीजिए, दो दूनी के चार, देखिए दो दूनी के चार, दूनी के आठ, आठ पाँच चालीस, अब एक लिए दो दूनी के चार, दूनी के आठ, दूनी के सोलह, दूनी के बत्तीस, एक बत्तीस होगा, ओके ये दोनों संख्या मिल गया हमको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइनस वाला बड़ा है तो आप माइनस वाला बड़ा लीजिए, यानी एक्स इसका माइनस चालीस एक्स प्लस बत्तीस, देखिए बत्तीस है ना, हाँ बत्तीस एक्स माइनस 1280 बराबर जीरो। क्या करते हैं यक्स कामन ले लीजिए, तो यक्स माइनस चालीस होगा, यहाँ पे प्लस यक्स जो है कितना लीजिए बत्तीस, बत्तीस कामन लेंगे तो यक्स प्लस चालीस हो जाएगा, सॉरी यक्स माइनस चालीस हो जाएगा, ओके देखिए ध्यान से यक्स माइनस चालीस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे यक्स बराबर चालीस प्लस में आएगा और यक्स बराबर माइनस जो है बत्तीस आएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसी को लेंगे, ओके। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, तो सिंपल वे में है, यानी कि यक्स बराबर चालीस किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ओके ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपको कैसा समझ में आया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा अच्छे से क्लियर तरीके से बता दे रहा हूँ। जब भी बोलेगा ट्रेन की चाल बताओ, आप यहाँ पे करिए, ट्रेन की चाल जो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय, तो कितना करेंगे 480 बटे एक्स, घंटा लगेगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ओके। अब इसको देखिए, करा ट्रेन की चाल में कमी, यानी एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कहने का मतलब अब देखिए ट्रेन द्वारा लगा समय यहाँ जो है किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि कमी हुआ है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कमी हुआ है। अब यहाँ पे ट्रेन द्वारा लगा समय 480 बटे एक्स माइनस 8 यहाँ पे घंटा हो जाएगा, ओके आवर हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए जब भी करना है तो बड़ा में से छोटा घटाना है, तो 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स बराबर 3, तो आप यहाँ से जो है एलसीएम ले लीजिए, इसका मल्टीपल यहाँ करिए, इसका मल्टीपल यहाँ करिए, तो हमने किया हूँ ये सब करने के बाद आपको 3840 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस जो है 8x क्वेश्चन 3 हो जाएगा। आप इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 हो जाएगा, कहने का मतलब 1280 का फैक्टर कर लीजिए तो आपका आएगा 40 और 32, 40 जो है यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसलिए माइनस 40 लेंगे, क्योंकि माइनस 40 में से 32 घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा। अब इसको जो है सॉल्व करिए तो एक्स बराबर मेरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। देखिए आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं है, ओके। लेकिन आप वीडियो को अगर ना समझ में आए एक बार रोक के देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, इससे सिंपल तरीका कोई नहीं बता सकता है, ओके। क्वेश्चन लगाने का तरीका यही होता है। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए।
कह रहा है, ध्यान समझिए, कह रहा है भूखंड की जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, एक भूखंड है ओके। अब ध्यान समझिए, माना आप यहां मान सकते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई एक्स है ओके, तो हम कह सकते हैं लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आप कह सकते हैं कि दोगुना से एक अधिक यानी कि 2x+1 ओके। इसी प्रकार से आप यहां पे कह सकते हैं कि आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान समझिएगा, आयताकार का लंबाई क्या है 2x+1, चौड़ाई क्या है x है, आपको दिया है बराबर 528 वर्ग जो है मीटर। अब ध्यान समझिए, x का गुणा करिए 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो -528 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसका जो है, देखिए अगर किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ पे बता सकते हैं कि 33-32 होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि 33-32 लाए कहाँ से। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना है, 2 का मल्टीपल यहाँ करिए, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 5, 2 × 5 = 10। अब इसका जो है फैक्टर कर लीजिए, 2 का डिवाइड करिए, 2 × 4 2 × 8 = 16, 2 × 4 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 6, 2 × 6 = 11, 11 × 3 = 33, 3 × 1 = 1। अब ध्यान समझिए, 11 × 3 = 33 होता है, देखिए 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ये 32 होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपका प्लस है, यानी तो जाहिर सी बात है आप बड़ा वाला प्लस लेंगे, यानी कि 33 पहले लेंगे उसके बाद ये माइनस वाला लेंगे। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि 2x² + 33x - 32x - 528 = 0 आप लिख सकते हैं। तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या 2x कामन ले सकते हैं, नहीं दोस्तों यहां पे 2x मत कामन लीजिए, यहां x कामन लीजिए, तो आप जो है 2x + 33 लिख सकते हैं, सिंपल है। अब यहां से देखिए माइनस कितना कामन लीजिए, 16 कामन लीजिए, ठीक है, तो यहां पे होगा 2x। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 33 हो जाएगा, कोष्टक बंद बराबर 0। आप इसको जो है एक कोष्टक में लिख सकते हैं कि 2x + 33, दूसरे कोष्टक में x - 16। देखिए एक तो होगा 2x बराबर कितना है -33, तो माइनस देखते ही इसको काट दीजिए, एक तो आ जाएगा x = 16। तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि चौड़ाई मेरा जो है 16 आएगा ओके। अब इसको जगह 16 × 32 में एक जोड़ेंगे 33 मीटर, लंबाई 33 मीटर, चौड़ाई जो है 16 मीटर ओके। दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए चौड़ाई x मान लीजिए है, लंबाई 2x + 1 बोला है, दोगुने से एक अधिक है, आयताकार का क्षेत्रफल आपको पता होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, अब इसको इस तरफ लाइए, यानी लंबाई ये है चौड़ाई ये है, बराबर 528 दिया है, आप इसको जो है पहले गुणा करिए, फिर उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन करिए, आप यहाँ से करिए, फिर उसके बाद यहाँ फैक्टर कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है सिंपल वे में इस कॉर्नर को जो है इस कारण पहले मल्टीपल करिए, फिर उसके बाद फैक्टर कर लीजिए, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप फैक्टर कर लीजिए। अब देखिए जो है यहां पे प्लस है, ये ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि जब भी प्लस बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे, फिर माइनस छोटा वाला ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए हो जाएगा प्लस 33 लिए हैं, माइनस 32 लिए हैं, अब इसको कॉमन करना है, बस आप कर लेंगे ओके, क्वेश्चन को छाप लीजिए।
आशा करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रोहन और रोहन की माँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, वीडियो को जो है एकदम लास्ट जो है तक देखिएगा, आपको जो है सारा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए टेंथ बोर्ड में अगर आप हैं तो बच्चे जो है सीरियस तैयारी करिए, आपको जो है 90-95% जो है आपका यहाँ से कवर हम करवा दूंगा। अगर आप जो है प्रतिदिन वीडियो देखते हैं तब उसके बाद देखिए क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ओके, कहने का मतलब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल ऑफ से, देखिए गुणनफल है ऑफ से, 3 वर्ष बाद 63-60 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, रोहन की वर्तमान आयु मान लीजिए यक्ष है। अब ध्यान समझिएगा, रोहन की वर्तमान आयु यक्ष है। ओके, यक्ष वर्ष मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ओके वर्ष, ध्यान समझिए, बोला 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद रोहन व उसकी माँ की आयु आप कह सकते हैं कि यक्स प्लस 3 रोहन हो जाएगा, यक्स प्लस 26 में 3 जोड़िए 29 हो गया वर्ष। ओके, आपको बोल रहा है इसका गुणनफल 360 हो जाएगी, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि x प्लस 3 एक कोष्टक में, x प्लस 29 एक कोष्टक में, इसका जो है मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है 360। अब यहाँ से सिंपल वे कर लीजिए, गुणा करिए x का x में x स्क्वायर, x का 29 में करेंगे 29x, प्लस का 3x में करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस में 29 में 3 कर 3 9 27, 3 2 6 2 8, 87 हो जाएगा बराबर 360। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस, देखिए 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा। ओके, प्लस देखिए 87 है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। आप यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए। ओके, देखिए अगला पेन से मैं बता रहा हूँ, मार्कर से ध्यान समझिएगा, यक्स स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, देखिए 32x है, ये भी लिख लीजिए 32x, अब घटा दीजिए 360 में 87, 10 में से 7 घटा, अब देखिए माइनस के चिन्ह होगा, 10 में से 7 घटा 3, 5 में से जो है 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8 घटा 7, अब यहाँ 2 बचा बराबर 0 कह सकते हैं। अब इसका इसका फैक्टर करिए 273, 3 से करिए 3 9 27, 3 1 3, अब किसी से कट रहा है 13 से 1, ध्यान समझिए आपको 32 लाना है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 13 3 39 में जो है 7 जो है घटा दीजिए, और कहने का मतलब 39 जो है प्लस लेंगे। ओके, 7 जो है माइनस लेंगे, ये जो है फंडा आपको आपको याद करना होगा, क्योंकि मैं 39 में से माइनस 7 घटाऊंगा तो मेरा प्लस में आएगा, मुझे यही लाना है। ओके, अब यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 आपको बराबर 0 करना है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 होगा, इसी प्रकार से माइनस 7 कॉमन लेना है, x प्लस 39 होगा बराबर 0। अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था कि x प्लस 39 है, तो आप इसका करेंगे तो माइनस में आएगा, ये नहीं लेंगे। ओके, अब यक्स माइनस 7 है तो ये यक्स बराबर 7 आ जाएगा, हम इसको जो है जाहिर से बात लेंगे क्योंकि प्लस में आया है। करा रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, अब आपको पता है रोहन की वर्तमान आयु कितना आ गया, 7 वर्ष आ गया। ओके, और जो है उनकी माँ की आयु 7 इसमें जोड़ दीजिए, जितना होगा वही आंसर होगा। ओके, आप जो है इसको नोट करिए,
देखिए दोस्तों, मैं जो है 2 बजे रात को पढ़ा रहा हूँ, ओके। आप बट जो है अगर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको जो है बहुत मेहनत जो है हमको लग रहा है पढ़ाने में, आप बस जो है वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आप यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचे। हम तो यही कहते हैं कि आप जो है वीडियो को देखा करिए, आप देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है क्लास 10th यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न के जो पर जो आधारित है मैं सारा जो है मैथ के सॉल्व करा दूंगा ताकि जो भी स्टूडेंट गरीब सब है वो फ्री क्लासेस पा सके, ओके दोस्तों। यूट्यूब पे जाइए, बनारस एजुकेशन में पहला जो है क्लिक करिए, उसके बाद आप देखिए, ओके, एक लाइक एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए, ओके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।